एक समय की बात है, एक गांव में रमेश नाम का एक गरीब मजदूर रहता था। वह रोज मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालता था। रमेश बहुत ईमानदार और मेहनती था, लेकिन उसे कभी भी अपनी मेहनत का उचित फल नहीं मिला। एक दिन काम से लौटते वक्त रमेश को रास्ते में एक पुराना बक्सा मिला। उसने उत्सुकता से बक्सा खोला तो उसमें उसे एक पुरानी किताब और एक नोट मिला। नोट में लिखा था, यह किताब तुम्हारी किस्मत बदल देगी, इसे ध्यान से पढ़ो और इसका पालन करो। रमेश ने घर आकर किताब को पढ़ना शुरू किया। किताब में कई ज्ञान की बातें और कुछ अनमोल सुझाव थे। उसने उन सुझावों को अपनी जिंदगी में अपनाया। धीरे धीरे उसने छोटी छोटी बचत शुरू की और अपने व्यवसाय की योजना बनाई। कुछ महीनों के बाद रमेश ने अपनी बचत से एक छोटा सा दुकान खोला। उसकी ईमानदारी और मेहनत की वजह से दुकान धीरे धीरे चल पड़ी। समय के साथ उसने अपने व्यवसाय को डोट बढ़ाया और उसके मेहनत और बुद्धिमानी से उसका कारोबार फला फूला। कई सालों बाद रमेश न केवल गांव का सबसे सफल व्यवसायी बन गया, बल्कि उसने अपने गांव के और भी कई लोगों को रोजगार दिया। उसकी कहानी सुनकर लोग प्रेरित होते और उसके जैसे मेहनत करने की कोशिश करते। इस तरह एक गरीब मजदूर रमेश ने अपनी मेहनत, ईमानदारी और समझदारी से करोड़पति बनने का सफर तय किया। उसकी कहानी आज भी लोगों के दिलों में एक प्रेरणा के रूप में जिंदा है।